मम्मा दाल वाला आटा गूंद रही हैं। अभी इसमें दाल नहीं डाली, सिर्फ प्याज, हरी मिर्चें, धनिया, सूखा जीरा, सूखा धनिया और जीरा और हरी मिर्चें बारीक काट के। ये इस तरफ अचार भी डालना है। अभी कैरिया ने इसमें कटिंग की है, वो आज आपको बताएंगे कि किस तरह से हमें डालना है। ये यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रखी है, आज हम सब चाय रस खाएंगे। ये मम्मा मिर्चों को कट्स लगा रही हैं। ये इनमें थोड़ा सा नमक और मिर्च लगा के इनको रख दिया। ये आटे में अब दाल डाल दिया। दाल अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे आटे में। ये वो दाल है जो पकी हुई बच जाती है और बच्चे खाते नहीं हैं। ये कोई स्पेशल नहीं बनाई गई रोटियों के लिए। चाय भी हमारी रेडी हो चुकी है। सब लोग चाय रस खा रहे हैं। रस मैंने कभी भी नहीं खाया, इसलिए मैं शामी के साथ ये ब्रेड है, ये मेरी चाय रेडी हो रही है। मैं अपनी एवरीडे की चाय बना रही हूँ। मम्मा लोगों की मैंने दूध की चाय बनाई है क्योंकि मुझे एवरीडे की पसंद है। और मैं अपना सैंडविच बना रही हूँ क्योंकि रस मुझे कभी भी नहीं पसंद, बाकर खानी पसंद है, रस नहीं पसंद। और ये अब मेरा नाश्ता रेडी होता है, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। जी तो एडिटिंग मैंने कर ली है और थंबनेल भी बना लिया, बस ना वो अपलोड करने वाला रह गया। और अब मैं नहाने जा रही हूँ, नहा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और अचार मम्मा ने डाल लिया। अफसोस कि बुरी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मैं एडिटिंग कर रही थी और मम्मा भी भूल गई थी कि हमने रेसिपी स्टार्ट की हुई है। बाकी मैं मम्मा से कुछ कुछ डिटेल्स जो इम्पोर्टेंट होंगी वो पूछ के आप लोगों को बता दूँगी कि बीच में उसके अंदर क्या क्या किया हमने। मैं अभी नमाज़ पढ़ के बैठी हूँ और शावर लेते साथ मैंने नमाज़ पढ़ी है। और नमाज़ पढ़ के अभी आई हूँ और अब मैं बाल ड्राई करके कंघी कर लेती हूँ। अभी मुझे हो रही हैं बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स क्योंकि मैंने सुबह से ना नाश्ता किया हुआ 10 बजे का और अभी टाइम हो रहा है 5:45। और तो मैं इसलिए ना पापा का लेग पीस गर्म करके खाने लगी। अभी हम लोग जा रहे हैं जी बाहर खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में, वहाँ जा के आप लोगों से मिलते हैं। ऑर्डर डिसाइड हो गया है हमारा और अभी बस ऑर्डर का वेट हो रहा है, बस जल्दी आ जाए खाना। इतना सारा खाना नहीं खाया गया हमसे, इसलिए हम लोगों ने पैक करवा लिया। सब ने आधा आधा बर्गर खाया, उससे ज़्यादा किसी ने भी नहीं खाया क्योंकि साथ फ्राइज थी और बोतल थी तो हमारा पेट भर गया था। घर आके बैठ गए अब हम लोग। ये अचार जो मामा ने डाला था, जो कि 2 डब्बों में हम लोगों ने डाल के रख दिया, और इसके अंदर मम्मा ने छोटी छोटी कैरीज काट के डाली हैं क्योंकि हमने मम्मा से कहा था कि अचार में छोटी छोटी कैरीज डालें। मैंने अपने दादों के घर में खाया था। और ये मूसा की बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करें। ये मिर्च डाली है बीच में और नींबू और कैरीज और ये है। यहाँ पे मम्मा ने चाय रख दिया, यहाँ पे मम्मा रोटियाँ बनाने लगी हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, ये नेक्स्ट डे और अभी हम लोग नाश्ते के लिए मम्मा ने नान मंगवाए हैं और साथ में चाय क्योंकि आज मम्मा बहुत थकी हुई थी। तो मम्मा ने कहा कि मैं मतलब इतना काम नहीं करूँगी, आज मैं बहुत थक गई हूँ
तो फिर इसलिए ना हम लोगों ने नान मंगवा लिए और चने नहीं मंगवाए क्योंकि चने नहीं पसंद हम लोगों को। ये शायद मंगवा लिए होंगे, मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक देखा नहीं कि मंगवाए हों। और आज संडे है और अब कल हम लोगों ने स्कूल जाना है। अभी मेरी कुछ लर्निंग रह गई है काम की, अभी वो मैं लर्न करूँगी थोड़ी देर तक और नाश्ते के टाइम पे आप लोगों से मिलती हूँ। ये मम्मा ने यहाँ पे रोटी डाली है अपनी, क्योंकि मम्मा नान नहीं खाती। ये देखिए ये नान मंगवाए हैं हमने। ये मूसा टीवी देख रहा है। ये यशफा बाजार जा रही है। ये पापा लाए अभी अभी फ्रूट्स, बनाना और एप्पल। एलन दिखाओ बेटा। यहाँ पे हम लोग फातिमा फैसल की चलाकियाँ देख रहे हैं। यहाँ पे जी आलू गोभी बन रही है अभी, आलू गोभी चिकन। और अभी इसको थोड़ा सा मैश करेंगी मम्मा, क्योंकि खड़ी खड़ी गोभी हमारे घर में कोई भी नहीं पसंद करता, सबको मैश पसंद है। ये जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है ये गर्मियों के हमारे वो ड्रेसेस हैं जो अभी बिल्कुल अनस्टिच्ड हैं, जिनको अभी हमने स्टिच नहीं करवाया हुआ। और ये मैं एक एक करके आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ, क्योंकि अब तो गर्मियों का सीज़न गुजर गया, इसलिए इस साल हम लोग नहीं स्टिच करवा रहे इनको। अब नेक्स्ट ईयर हम लोग स्टिच करवाएंगे। और बिकॉज अब तो मौसम चेंज हो रहा है, सितंबर वैसे ही आ गया है, तो सितंबर में वैसे ही मौसम चेंज होने लग जाता है। और अब नेक्स्ट ईयर इनको सिलवाएंगे, रमज़ान में न्यू सूट्स वगैरह पहनने होते हैं। तो इसलिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये ड्रेस है मेरे पास जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बहुत शौक था मेरे पास एक ड्रेस हो जो प्योर वाइट हो, सिर्फ वाइट कलर हो उसमें, जैसे कि ये है। और ये पता नहीं क्यों कैमरे में ऑफ वाइट आ रहा है, वैसे बिल्कुल वाइट है। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मेरे पास एक ना एक ऐसा ड्रेस हो जो बिल्कुल वाइट हो। और ये वही है, इसका सूट भी है, ये मतलब कमीज़ भी है और ट्राउज़र का पीस भी है। और इसके साथ जो दुपट्टा है वो ये है, ये देखें दुपट्टे। वैसे मैंने कभी लॉन के लिए नहीं, मैं हमेशा इस तरह के दुपट्टे लेती हूँ, लॉन के मैंने कभी भी नहीं लिए। पर इस साल इंशाल्लाह ताला मैं ट्राई करके देखूँगी। ये एक ड्रेस हो गया। उसके बाद एक ये ड्रेस है मेरा, ये इसका ट्राउज़र है, ये इसकी शर्ट है, ये देखें ये शर्ट है। और ये जो है ये इसका दुपट्टा है, ये देखें ये दुपट्टा है पूरा। अभी ये मैंने पूरा खोला नहीं है, वैसे ये प्रिंट है दुपट्टे का, ये देखें ये सारा प्रिंट है। ये लाइनिंग हुई हुई है बीच में जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये वैसे तो ये मम्मा का सूट था, पर मैंने मम्मा से ले लिया। मैंने मम्मा से कहा कि आप ये मुझे दे दें, मम्मा ने कहा कि फिर ले लो, नेक्स्ट ईयर सिलवा लेंगे। ये ब्लैक कलर का है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये एक ये था मेरे पास और एक ये ब्लू कलर का था ये वाला। और मेरे पास चॉइस थी तो मैंने ये वाला चूज़ किया, क्योंकि मुझे ब्लैक ही पसंद है। तो ये यशफा ने चूज़ किया था अपने लिए और ये मैंने चूज़ किया ये, क्योंकि ये ट्राउज़र भी सेम है और इसकी शर्ट भी वैसे ही सेम है, तो इसलिए मुझे ये पसंद आया था। और यशफा ने ये वाला लिया। और ये उस दिन हम लोग मम्मा के साथ गए थे और ये शर्ट के पीस लेके आए थे। शर्ट मैंने ना येलो कलर कभी भी नहीं पहना, इतना येलो कलर मैंने आज तक नहीं पहना। तो फिर एक येलो मैं जिस दिन मैं ये येलो शर्ट लेके आई हूँ ना, उसी दिन मम्मा से मैंने ये येलो सूट भी ले लिया, इतना शौक मुझे येलो कलर का आ रहा था। फिर ये येलो भी हो गया मेरे पास। मैं ये शर्ट लाई थी और यशफा ने ली थी इसी तरह की, ये मैरून कलर की इसने भी शर्ट ली थी। ये जो है ये इस ड्रेस का दुपट्टा है, ये देखें
इसके अंदर ना ये लाइनिंग है, ठीक है, ये इसका दुपट्टा हो गया। ये हम लोग पहनेंगे ब्लैक ट्राउज़र्स के साथ, इस शर्ट को कैरी करेंगे हम लोग। और ये जो है, जो कि यशफा ने चूज़ किया था, इसके अंदर वाइट कलर के पत्ते बने, फूल बने हुए हैं। और ये देखें, ये ब्लू फूल बने हुए हैं और साथ पत्ते बने हुए हैं। दादू अंदर ईसा को सिला रही है। और ये इसके साथ का ट्राउज़र है। उसके बाद ये एक ड्रेस है, ये भी यशफा का है। ये जो है ना सी ग्रीन टाइप है, टर्कवाइज कलर होता है जो, वो है। और इसके साथ का ट्राउज़र भी सेम है, ये मैचिंग है। ये भी यशफा का है और ये भी यशफा का है। ये भी ट्राउज़र भी सेम है और शर्ट भी, क्योंकि आजकल फैशन चल रहा था कि सेम हो ट्राउज़र और शर्ट्स, तो हम लोगों ने भी सेम ले ली फिर। तो ये भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, नीचे वाला भी दिखा दिया है और ये भी दिखा दिया। और एक ड्रेस ये है मेरा, इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो है इसके अंदर लाइनिंग बनी हुई है, पूरा ड्रेस है। ये देखें, ये इसका ट्राउज़र है ब्लैक कलर का और ये है शर्ट। ये शर्ट है इसकी, इसका जो कलर कंट्रास्ट है ना, पिंक पिंक है, ऑरेंज है, रेड रेड है, पर्पल है, ये कंट्रास्ट मुझे बहुत पसंद आया था। और ये देखें, ये इसके अंदर कढ़ाई हुई हुई है, ये फूल भी बने हुए हैं कढ़ाई के, ठीक है। ये बहुत पसंद आया था मुझे, ये भी मम्मा की ही चॉइस थी, मम्मा ने मुझे निकाल के दिखाया तो मैंने कहा हाँ ठीक है हम ले लेते हैं। और इसका जो दुपट्टा है ना वो ये है, ये देखें, ये दुपट्टा है इसका। जैसे शर्ट के अंदर लाइनिंग है ये देखें, वैसे दुपट्टे के अंदर भी लाइनिंग है, ये लाइनिंग। और ये देखें, इसमें भी वैसा ही जैसा शर्ट के अंदर है वैसे इसके अंदर भी बना हुआ है। और ये दुपट्टा है। ये थे जी सारे के सारे वो ड्रेसेस जो हम लोगों के अनस्टिच थे, मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। और ये कि मैं ना अब थोड़ा सा अपना पढ़ने लगी हूँ, क्योंकि कल स्कूल जाना है और व्लॉग भी एडिट करना है। मामा लोग बाज़ार गए थे और अभी वापस आए हैं, कोई चेंज नज़र आया मेरे चेहरे में? हाँ जी, मैंने ऐनक बदलवा के न्यू फ्रेम लिया है, देख लें आप लोग। अभी मम्मा फ्रूट चाट बना के लाई हैं। गाइस, लेट नाइट क्रेविंग्स का कुछ तो इलाज करना है, इसलिए हम लोगों ने स्पेगेटी निकाल लिया है और अभी हम लोग इसको बनाएंगे। और पानी हम लोगों ने बॉयल होने के लिए रख दिया।